guys, Canada is the second largest country in the world after Russia. Its biggest city is Toronto. We all know these facts, but do you know these 10 interesting facts which I'm going to tell you in this video? Let's learn. एक मिनट मुन्ना टेंशन मत ले यार, हिंदी में सीखने वाले हैं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में सीखने वाले हैं। मैंने सोचा हम पंजाबियों को और गुजरातियों को काफी शौक है कनाडा जाने का, तो कनाडा के बारे में कुछ सीख लेते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छे से फैक्ट्स पता कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कनाडा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ज्ञान अमन में, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश विद हेल्प ऑफ हिंदी। बट टुडे वी आर गोना लर्न 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कनाडा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड। कोस्टलाइन का मतलब है समुद्री किनारा। आपका देश कितने किलोमीटर तक समुद्र से जुड़ा हुआ है? कोस्टलाइन जाना है कितनी है? इट्स 2,43,000 किलोमीटर, 2,43,000 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है कनाडा की, दुनिया में सबसे बड़ी। आप कह सकते हो अगर आप डेली का रोज का 20 किलोमीटर भी कोस्टलाइन मूव करो कनाडा में समुद्री किनारे पर चलो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 33 ईयर्स लगेंगे पूरा कोस्टलाइन घूमने में, सिर्फ 33 साल। वैसे ऐसा करने की सोचना भी मत, 33 साल कम नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, मोर देन हाफ ऑफ द लेक्स इन द वर्ल्ड आर इन कनाडा। दुनिया में जितने भी लेक्स हैं, जितने भी झीले हैं, उनमें से आधे से ज्यादा कनाडा में ही है। देर आर मोर देन 2 मिलियन लेक्स इन कनाडा। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि इंडिया हमारा देश 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बट कनाडा शेयर्स इट्स बॉर्डर विद जस्ट 1 कंट्री एंड दैट इज USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फैक्ट नंबर 4, 6 क्रेडिट सिटीज हैव पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन। कनाडा के 6 जो शहर हैं उनमें पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से भी ज्यादा है। और सीरियल वाइज ये कौन से शहर है? टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन एंड ओटावा। ओके, टोरंटो सबसे बड़ा शहर है, इट्स पॉपुलेशन इज 6.2 मिलियन, यानी कि 62 लाख। फैक्ट नंबर 6, कनाडा टोटल पॉपुलेशन इज 37.6 मिलियन, यानी कि 3,76,00,000। 82% ऑफ पीपल, और वी कैन से 82% ऑफ कैनेडियंस लिव इन अर्बन एरियाज एंड रेस्ट 18% लिव इन कंट्रीसाइड। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 3,76,00,000 है, जिसमें से 82% जो पॉपुलेशन है वो शहरी इलाकों में रहती है। नेक्स्ट फैक्ट, कनाडा इज एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री। द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर दैट इज -63 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज रिकॉर्डेड एट द विलेज स्नैग इन यूकॉन ऑन 3rd of February 1947। बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा देश सच में। नेक्स्ट फैक्ट, कनाडाज लिटरेसी रेट इज 99%। इट मींस हर कैनेडियन पढ़ लिख सकता है। बहुत सी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट फैक्ट, ये जो फैक्ट है, जब मुझे इसके बारे में पता लगा था तो मैं सो गया था। अरे बाप रे, सच में? जी हां, कनाडा इज द 3rd largest ऑयल रिजर्वायर इन द वर्ल्ड After Venezuela and Saudi Arabia। मुझे लगता था कि तेल के जितने भी भंडार होते हैं वो अरब कंट्रीज में होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया होगा, कुवैत होगा, मान लो गया। लेकिन कनाडा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व आया है, जहां पर तेल के भंडार हैं, वेनेजुएला के बाद और सऊदी अरेबिया के बाद। कनाडा इज द वर्ल्ड लीडर इन यूरेनियम माइनिंग। यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है, उसकी जो सबसे बड़ी माइनिंग होती है वो कनाडा में होती है। लास्ट फैक्ट, अबाउट हाफ ऑफ द कनाडाज लैंड मास इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लगभग कनाडा का आधी जो जमीन है वो जंगलों से घिरी है। जाते जाते एक फैक्ट आपको फ्री में देके जाता हूं, कनाडा की सबसे बड़ी स्टेट है क्यूबेक और सबसे छोटी स्टेट है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके, और आप प्लीज ये भी बताना मुझे कि इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में आपको पता था और कितने फैक्ट्स आपको आज पता चले हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बताओ कि आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री है जो आप जानना चाहते हो जिसके बारे में, मुझे वो भी बताना, हम उसके भी वीडियो बनाएंगे। ओके जी, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
Okay, if you want to learn English, do click here on the I button or you may check the description box below. And if you want to watch motivational videos, please check the description box below. Okay, milte hain next video mein. Tab tak liye, bye bye, take care, keep learning, have a very good day, thank you so much.